Hello guys, welcome back to Edukantara classes. I am your host RJ. आज के वीडियो में हम क्लास टेंथ हिंदी कोर्स ए क्षितिज का पद पहला समझेंगे. पहला पद का कहना है कि उद्यम तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनय तगाते नाहिन मन अनुरागी. पूरा इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यो जल माये जल तेल की गागड़ी बूंद न ताको लागी. प्रीति नदी में पाँव न भोड़ियो दृष्टि रूप न पड़ागी, सूरदास अवला हम भोड़ी गुड़ चटी जो पागी. तो इस पद से कवि सूरदास यह कहना चाहते हैं कि इन पंक्तियों में गोपियों उद्धव से व्यंग करती है और कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो, है ना. फिर बताया जा रहा है कि पुरैन पात्र हत जल भीतर तारस देह न दागी. इसका मतलब है कि तुम उस कमल के उस पत्ते की समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल का एक बूंद भी उस पे नहीं पड़ता है. फिर अगला पद बोला जा रहा है कि ज्यों जल माहा तेल की गागड़ी बूंद न ताको लागी. इसका मतलब यह है कि जिस तरह तेल की गागड़ी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी का एक भी बूंद नहीं ठहर पाती है, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम के नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने से वंचित हो, है ना. उसके बाद बोला जा रहा है कि प्रीति नदी में पाँव न बोड़ी और दृष्टि न रूप पड़ागी. इसका मतलब है कि आप प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए हैं. फिर इसी में बोला जा रहा है कि सूरदास अबला हम भोड़ी गुड़ जोटी सॉरी चोटी ज्यो पागी. ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि गोपिया का कहना यह है कि हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती है, हमें उनके प्रेम में लीन है. सो गाइस, ये जो था वो सूरदास का पद पहला का अर्थ था. और अगले वीडियो में हम इनके दूसरे पद का अर्थ देखेंगे. फिलहाल थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड वीडियो. थैंक यू.